Are you counting? Mm. This is hold. 1, 2, 3. This. 1, 2, 3. Go this. Round. Here. Tap. Jam here. 1, 2, 3. हमारे YouTube चैनल KSBT सिस्टम में और आज हम एक नई टेक्निक सीखने वाले हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत काम आने वाली है अगर आप स्ट्रीट फाइट की बात करते हैं। तो इसमें जो आपने पिछला लेसन देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को कवर करना सिखाया था, फेस और कान को कवर करना सिखाया था। तो आप इस तरह से कवर कर सकते हैं, तो अगर कोई हिट करता है तो आप एंट्री ले लेंगे इस तरह से, ये एल्बो जो है स्ट्राइक करती है अंदर। अब मैं ये जो टेक्निक सिखा रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को इस तरह से होल्ड कर लेना है यहाँ पे, ऑलराइट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पीछे से आपने होल्ड किया है, हमने होल्ड गर्दन को किया है, आप यहाँ पे करेंगे, हिट करेंगे और हिट करने के बाद इस वाले इसको डाउन करेंगे जैसे ही हाथ नीचे करके, और ये वाला जो पैड है उसमें आपको हिट करना है। जो दूसरा है वो थोड़ा सा ध्यान देगा, इसको थोड़ा टाइट इधर रखना है। 1, 2 and 3, 3 हिट के बाद आपको इसे पुश करना है, ये वाला लेग रखेंगे। जब ये डाउन होगा तो इस हाथ को हम कंट्रोल करते हुए जाएंगे, इसको छोड़ना नहीं है जब तक कि आप पूरी तरह से नीचे कंट्रोल ना कर दें। पूरी बॉडी कंट्रोल हो गई, अब इस हाथ को आप छोड़ देंगे। फिलहाल ये हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहे हैं, अगर हमें करना है तो हम इसको कंट्रोल करके यहाँ टैप करके यहाँ हिट कर सकते हैं। यहाँ हमने इसको कंट्रोल किया है, ये वाला हाथ, और यहाँ आप हिट कर सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, इसकी बजाय यहाँ तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपको हाथ ये वाला ले लेना है, यहाँ आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्ट्राइक। 1, 2, 3 एंड देन यू कैन गो। दोबारा से देखते हैं किस तरह से करना है। स्टेप वाइज स्टेप मैं आप लोगों को बताऊँगा। पहला है आप लोगों को 1 पोजिशन, फर्स्ट पोजिशन इज दिस, ओके। सेकंड इज यू आर होल्डिंग हियर, यहाँ आप इसे होल्ड कर रहे हैं। थर्ड है आपकी ये, आपने थर्ड हिट किया। फोर्थ आपका ये जो हाथ है इसे आप डाउन करेंगे, यहाँ पे ये कंट्रोलिंग पोजीशन है, हाथ आप इस तरह से रखेंगे। सेल्फ डिफेंस पर्पज से मैं आप लोगों को बता दूँ थोड़ा सा, यहाँ जो कान जब हम पकड़ते हैं किसी को, अगर मैं होल्ड करूँगा तो जो मेरा अंगूठा है ये कान के नीचे इस वाली जगह पे पूरा प्रेस हो जाएगा। तो इसके बाद 5, ये 5th पोजीशन हो गई आपकी। 6 में आपको हिट करना है, आप ऐसे हिट कर सकते हैं, ये आप फेस पे हिट कर रहे हैं। एंड देन 7th में आपको इसे हल्का सा पुश करेंगे, यहाँ पैर रखेंगे, घुमा देंगे। तो ये वाला 8th में आपको कंट्रोलिंग का ध्यान रखना है, यहाँ आप कंट्रोल करके रखेंगे इसको, देखिए इस तरह से आप इसे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के बाद ये वाला जो घुटना है उसे डाउन कर लीजिए, ये वाली पोजीशन में आप आ जाएंगे, यहाँ इसे होल्ड कीजिए, यहाँ इसे टैप करेंगे, यहाँ आपको हिटिंग प्रैक्टिस करनी। फिर से अब लास्ट में हम इसे एक बार और फ्लो में करेंगे। सो आई एम हियर, आई कम, दिस इज होल्ड, 1, 2, 3, दिस, 1, 2, 3, गो दिस, राउंड, हियर, टैप, जैम हियर, 1, 2, 3, फिनिश। जब भी आप घर पर अगर इसे ट्राई कर रहे हैं तो आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जो हिटिंग करें तो थोड़ा कंट्रोल रखें हाथों में, और जो फीड कर रहा है उसको भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। शुरुआत में बहुत तेज़ी से हिट नहीं करना है, बहुत स्लो हिट कीजिए, इतना हिट कर सकते हैं आप, सिंपल हिट कीजिए। गिरा रहे हैं तो बहुत धीरे से, हाथ का जो आपने पकड़ा हुआ है हाथ उसे बहुत तेज़ी से होल्ड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ी से उसे होल्ड करेंगे, बहुत ज़ोर से आपने पकड़ा है, जो बॉडी फॉल होती है उसमें हाथ में हाथ मुड़ सकता है। तो इंजरी से बचने के लिए आपका यही है कि आप बहुत स्लो मोशन में करें उसे, आप प्रैक्टिस करें 1, 2, 3, जब दोनों के दोनों का कोऑर्डिनेशन बन जाए अच्छा, तब उसके बाद आप अपना धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं स्पीड। जितनी स्पीड में मैंने आप लोगों को ये चीज़ दिखाई है, जितनी स्पीड लाने में आपको लगभग 15 दिन लग जाएंगे। तो आपको इस स्पीड तक आने में इसे बहुत स्लो प्रैक्टिस करना है। तो होपफुली आप लोग सेल्फ डिफेंस सीख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।